झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है जमशेदपुर से। टाटा नगर से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेन चल रही है विलंब। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। टाटा नगर से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेन मंगलवार को विलंब से चल रही है। इसमें पहली ट्रेन है पुणे से चलकर टाटा नगर होते हुए संतरागाछी जाने वाली 02818 संतरागाछी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के टाटा नगर स्पेशल पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2:38 पर है और यह ट्रेन 28 मिनट विलंब से चल रही है। अब यह ट्रेन दोपहर 3:06 पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आने की संभावना है। जान की कीमत मात्र 10,000, सुपारी देकर रिश्तेदार ने कराई महिला की हत्या। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल इलाके के गुड़ाबंदा के लुंकी सोल जंगल में महिला साखी राणा की हत्या के मामले में गुड़ाबंदा थाना के पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मदन कर्माकर, कोकलो सबर और गुरुचरण कर्माकर शामिल है। पूछताछ में तीनों ने महिला की हत्या अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। एक्शन में कोलहान के डीआईजी जमशेदपुर के अवैध शराब कारोबारियों की उड़ी नींद। यह खबर है जमशेदपुर से। कोलहान डीआईजी राजीव रंजन सिंह एक्शन में है। पब्लिक से मिली सूचना पर डीआईजी ने जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में अवैध शराब चुलाई अड्डे पर मंगलवार दोपहर छापेमारी कराई। पिक पिक स्पॉट के रूप में चिन्हित पहाड़ भंगा और रानी कुदर इलाके में पोटका थाना की पुलिस ने शराब चुलाई अड्डे को ध्वस्त किया। भारी मात्रा में तैयार शराब और जावा को नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी में अड्डा संचालक भागने में सफल रहे। तापमान में 5.2 डिग्री की होगी गिरावट, छाएगा कोहरा, ये रहेगा अगला सप्ताह के पूर्व अनुमान। तो आइए जानते हैं खबर को। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 16.2 व अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि सोमवार को जमशेदपुर शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री व अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं इससे पूर्व शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया था, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था। यह खबर है रांची से। कोरोना वैक्सीन आने से पहले इस राज्य में भड़के ANM और GNM टीकाकरण के बहिष्कार की चेतावनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत अनुबंध पर कार्यरत ANM और GNM ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर कोरोना टीकाकरण के बहिष्कार की चेतावनी दी है। कहा है कि उनके अस्थायीकरण पर सरकार वार्ता करे, नहीं तो वे मजबूर होकर कोरोना टीकाकरण अभियान को बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। झारखंड राज्य NRHM, ANM और GNM संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फिल्मी अंदाज में रांची में नाबालिग का अपहरण, छात्र को वापस छोड़ फरार हुआ अपराधी, ढूंढती रही पुलिस। यह खबर है रांची से। रांची के रातू थाना क्षेत्र के नवा सोसो में सोमवार की शाम को 12 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर अपराधी कांके की ओर फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने रात में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। कल मंगलवार करीब 4:30 बजे अपहरणकर्ता छात्रा को गांव के समीप लीची बगान के पास छोड़ गए। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबूलाल मरंडी से जुड़े दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को झटका। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को झारखंड के पूर्व सीएम व भाजपा विधायक बाबूलाल मरंडी से जुड़े दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को वापस झारखंड उच्च न्यायालय जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। यह खबर है रांची से। राज्य स्तर ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू, 8वीं व 12वीं तक के छात्र ले सकते हैं भाग। सांस्कृतिक निदेशालय झारखंड सरकार एवं कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता धरोहर 2021 का आयोजन 11 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जा रहा है। कल इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ पोस्टर विमोचन के साथ ऑर्डर हाउस रांची में किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक निदेशक
दीपक शाही, राज संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सफरुद्दीन, पूर्व निदेशक अशोक सिंह, विभाग के विवेक कुमार व कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के सचिव धनंजय कुमार उपस्थित थे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। संसद से पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जोर का झटका। तीनों कृषि कानूनों पर लगाई गई रोक। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई है। साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के वकील ने कहा, बैठक में आए पीएम मोदी, चीफ जस्टिस बोले हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीएम मोदी का जिक्र हुआ। इस दौरान किसानों के वकील एमएस शर्मा ने कहा, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शिकायत की है कि अब तक कई लोग इस मामले पर चर्चा के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में क्यों नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस एम बोबड़े ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को बैठक में आने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इस मामले में पक्षकार नहीं है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और ये उनका विभाग है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी की सुगबुगाहट, महाभियोग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम। कैपिटल में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के उद्घाटन कार्यक्रम तक देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी को मंजूरी दे दी है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया जब राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि कोलंबिया जिले में एक आपात स्थिति मौजूद है। व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 59वें राष्ट्रपति उद्घाटन कार्यक्रम को मद्देनजर 11 जनवरी से 24 जनवरी तक इमरजेंसी की स्थिति रहेगी। चीन किसी तरह कोरोना की पहली लहर से निकल गया, पर इस पर दूसरी लहर की मार बड़े जोर से पड़ रही है। चीन दुनिया में भले ही इस बात का प्रोपोगंडा फैलाता फिर रहा है कि वह कोरोना को काबू करने में कामयाब रहा, लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे कि चीन पर कोरोना की दूसरी लहर की मार बड़े जोर से पड़ रही है। चीन पिछले एक हफ्ते से भी कम समय में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर चुका है और चीन में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो चुका है। हम निष्पक्ष नहीं हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। युद्ध रणनीतिक हो या वैचारिक, उसका एक स्पष्ट वसूल है, कभी भी अपने इरादे जगजाहिर न करें। परंतु कुछ लोगों के अंध विरोध में बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनियों के सीईओ ने अपने इरादे ऐसे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब उनकी नियत पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह लग चुका है। इससे अपने वर्तमान बयान से इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसरी ने सिद्ध किया है। गुजरात राजकोट के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर एआर सिंह सड़कों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ हाथ में हॉकी लेकर निकले। 116 लोगों पर होगा जुर्माना। ए भाई, पासवर्ड दे। कड़ी कड़ी नहीं कहो। नेता सोमनाथ पर स्याही फेंकने वाले को कांग्रेस एमएलए ने 51,000 की माला पहनाकर किया सम्मानित। पूजनीय योगी को बताया बेस्ट सीएम। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर हुई कार्रवाई को रायबरेली से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने सही ठहराया। इसको लेकर वह योगी सरकार के समर्थक में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अशब्द व विवादित बयान के मामले में सोमनाथ भारती पर रासुका व देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
अरुंधति राय ने किसान आंदोलन को बताया बस्तर के नक्सलियों के संघर्ष जैसा। दिल्ली सीमा पर जारी किसान विरोधी आंदोलन को बिचौलियों, खालिस्तानियों के साथ ही वामपंथी और अन्य इस्लामिक तत्वों पर हाईजेक किए जाने के बाद इसकी विश्वसनीयता खो चुकी है। पीएफआई का समर्थन मिलने के बाद अब अनुभवी प्रदर्शनकारी और भारत विरोधी लेखिका अरुंधति राय किसान विरोधी वाली जगह पर उपद्रव करने के लिए पहुँच गयी है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंशवादी राजनीतिक सामाजिक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया था। प्रधानमंत्री इस महोत्सव के 3 युवा राष्ट्रीय विजेताओं के विचारों को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के लाभुकों से करेंगे बात। रांची सदर अस्पताल में खास तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की तैयारी को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए। पीएम 16 जनवरी को रांची सदर अस्पताल में वैक्सीन के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसको लेकर अस्पताल में तैयारी की जा रही है। सोमवार को रांची डीसी ने अस्पताल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। नई किताब में इस्लाम में परिवार नियोजन से जुड़ा मिथक तोड़ेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त कुरैशी। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी अगले महीने बाजार में आ रही अपनी किताब में धार्मिक आधार पर भारत की आबादी और जनसंख्याई का विश्लेषण कर रहे हैं। वह अपनी किताब में इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इस्लाम में परिवार नियोजन की मनाही है। किताब के प्रशासक हार्परकॉलिंस इंडिया का कहना है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस्लाम परिवार नियोजन और भारत में राजनीतिक, शीर्ष वाली इस किताब में जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण होगा। झांसी की प्रियंका साहू ने जीता मिसेज साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब, महिलाओं को दिया संदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी की दंत चिकित्सक प्रियंका साहू ने मिसेज साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ वह अब आने वाले दिनों में इंटरनेशनल शो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिसमें 20 अलग अलग देशों की 50 महिलाएं भाग लेंगी। इससे पहले वह आसाम बुक रिकॉर्ड, झांकी क्वीन और ग्लैमर्स अवार्ड की खिताब भी जीत चुकी है। जारी हो गई दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट, जानिए भारत की कौन सी रैंकिंग। साल 2021 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंक जारी कर दी गई है। हेनले और पोर्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। इसके अलावा अमेरिका इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। वहीं भारत की बात करें तो यह 50वें नंबर पर है। इसके अलावा पाकिस्तान सूची में नीचे से 4वें नंबर पर है और चीन की स्थिति 70वीं रैंक है। लॉन्च हुआ गाय के गोबर से बना पेंट, किसान कमाएंगे गोबर से धन। खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित और गाय के गोबर से बना हुआ वैदिक पेंट लॉन्च कर दिया गया है। इस पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। पेंट को लॉन्च करने के मकसद किसानों की आय बढ़ाने का है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस पेंट को प्रमाणित किया है। इनका परीक्षण देश के 3 बड़ी प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद एवं श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली में किया गया है। अब खबर खेल जगत से, कौन होगा ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का अगला कप्तान। भारत के खिलाफ सीरीज के बाद टीम पेन को कप्तानी से हटाने की मांग। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम पेन को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान पद से हटाए जाने की मांग आने लगी है। सीरीज के दौरान पेन के प्रदर्शन और व्यवहार को देखने के बाद फैंस का कहना है कि उनके हाथ से कप्तानी छीन लेनी चाहिए। पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने यहां तक कह दिया कि पेन की कप्तानी के अब गिनती के दिन बचे हैं। पेन ने सिडनी टेस्ट में हनुमा बिहारी और आर अश्विन की जोड़ी को तोड़ने के लिए स्लेजिंग तक की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।